दिस इज आर लेसन नंबर 5, नाउंस जेंडर. ओके, इसके पहले वाली वीडियो में हमने लेसन नंबर 4 पढ़ा था, नाउंस नंबर, जिसमें हमने सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस के बारे में पढ़ा था. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द जेंडर्स. ओके, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स. व्हाट आर दे? दे आर मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर. ठीक है, जैसे मैस्कुलाइन में है बॉय, फेमिनाइन गर्ल, कॉमन इज स्टूडेंट्स एंड न्यूटर इज स्कूल. देखो, जब भी हम मेल की बात करते हैं तो वो मैस्कुलाइन हो गया, गर्ल्स की बात करते हैं फेमिनाइन, या वुमेन की बात करते हैं ना. और कॉमन में मतलब जब कॉमनली हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो बॉय है या गर्ल है, एंड दिस इज रिगार्डिंग पीपल ओनली. ओके, और जब हम किसी थिंग की बात करते हैं, किसी चीज़ की बात करते हैं, तो वो हो गया न्यूटर जेंडर. देखो, मैस्कुलाइन जेंडर, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ मेल पर्सन और एनिमल, चाहे वो मेल पर्सन या मेल एनिमल की बात हो, इज सेड टू बी द मैस्कुलाइन जेंडर. जैसे नाउन्स लाइक बॉय, किंग, अंकल, लायन, टाइगर, ब्रदर, डॉग, ठीक है, ये सब कौन से जेंडर के हो गए? मैस्कुलाइन जेंडर के. नाउ फेमिनाइन जेंडर, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फीमेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी द फेमिनाइन जेंडर. ठीक है, जब भी फीमेल पर्सन या एनिमल की बात होती है, जैसे कि गर्ल, क्वीन, आंट, लायनेस, टाइग्रेस, सिस्टर, बिच, आर ऑफ फेमिनाइन जेंडर, ये सब फीमेल है. ठीक है, ये सब हो गई फेमिनाइन जेंडर. नाउ कॉमन जेंडर, अ नाउन दैट रेफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल इज सेड टू बी द कॉमन जेंडर. जो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, थीफ, पेरेंट, चाइल्ड, कजिन, नेबर, ये सब कौन से जेंडर हो गए? कॉमन जेंडर, क्योंकि ये मेल भी होते हैं, डॉक्टर मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं, स्टिल वी कॉल देम डॉक्टर. टीचर, टीचर की बात चल रही है तो वहाँ टीचर, टीचर मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं. ठीक है, ऐसे न्यूटर, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल इज सेड टू बी अ न्यूटर जेंडर. ठीक है, ऐसे नाउन जो नॉन लिविंग थिंग की बात करता है, जहाँ किसी नॉन लिविंग की बात हो रही है, जो कि ना मेल है ना फीमेल है, इन सभी को हम कहते हैं न्यूटर जेंडर. जैसे टेबल, चेयर, बुक, ग्लास, पेन, वुड, हाउस, गोल्ड, ये सब क्या हो गए? न्यूटर जेंडर. ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि टेबल मेल है या फीमेल है, चेयर मेल है फीमेल है, बुक मेल है फीमेल है, ये सारी थिंग्स जो होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, इन्हें हम न्यूटर जेंडर कहते हैं. तो कलेक्टिव नाउन्स आर सेड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर इवन इफ दे डिनोट कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स. देखो यहाँ क्या लिखा है, कलेक्टिव नाउन्स आर सेड टू बी न्यूटर जेंडर. जो कलेक्टिव नाउन है उनको हम न्यूटर जेंडर में ही इंक्लूड करेंगे इवन इफ दे डिनोट द कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, चाहे वो हमें लिविंग थिंग्स की कलेक्शन की बात करें तो भी हम उसे कौन से जेंडर में इंक्लूड करेंगे, दैट इज द न्यूटर जेंडर ओनली. नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स, वी कैन फॉर्म द फेमिनाइन ऑफ नाउन्स इन द डिफरेंट वे. Study the following. See, by adding ESS to the masculine. जब हम masculine genders में ESS का add कर देंगे तो वो feminine gender form हो जाएगा. यहाँ आएगा formation of feminine. Okay. Now, masculine is priest. और उसका फेमिनाइन उसमें ई डबल एस जोड़ने से प्रीस्टेस, होस्टेस, लायनेस, हायरेस, बैरनेस, मैनेजरेस. ओके, ये सारे हो गए फेमिनाइन जेंडर्स. समटाइम्स देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द स्पेलिंग बिफोर एडिंग ई डबल एस टू द मैस्कुलाइन जेंडर.
कभी कभी क्या होता है, मैस्कुलाइन जेंडर फॉर्म करने के लिए हम स्पेलिंग में थोड़े से चेंजेस और करते हैं ई डबल एस जोड़ने के साथ साथ। जैसे ड्यूक, ड्यूक का फेमिनाइन हो गया डचेस, तो यहाँ के ई हटा के सी एच लगा दिया एंड ई डबल एस। ऐसे एम्परर, एम्परर का एम्प्रेस, गॉड का गॉडेस, डबल डी ई डबल एस। हंटर हंट्रेस, कंडक्टर कंडक्ट्रेस, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट्रेस, प्रिंस प्रिंसेस, वेटर वेट्रेस, मास्टर मिस्ट्रेस, गवर्नर गवर्नेस, टाइगर टाइग्रेस। स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न दिस फेमिनाइन जेंडर्स, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है कि वो हमने किस तरीके से चेंज किया है। स्टिल यू हैव टू लर्न दिस, क्योंकि आपको इसको लर्न ही करना है, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड है फेमिनाइन जेंडर, हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, फेमिनाइन जेंडर ऑफ नाउन्स दैट आर कंपाउंड वर्ड्स। अब कुछ कंपाउंड वर्ड्स का हम फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे, जैसे ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर, ही गॉट शी गॉट, ही बियर शी बियर, लैंडलॉर्ड लैंड लेडी, स्टेप सन स्टेप डॉटर, ठीक है, मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट, ठीक है, वॉशरमैन वॉशरवुमन, पिकॉक पीहन, मिल्कमैन मिल्कवुमन, जेंटलमैन लेडी, या फिर जेंटल लेडी भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हैं कुछ कंपाउंड वर्ड्स के फेमिनाइन वर्ड्स दैट चेंज एंटायरली। अब कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें मस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज करते हैं तो वो पूरे कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जैसे बॉय का गर्ल, ब्रदर सिस्टर, किंग क्वीन, फॉक्स विक्सन, लॉर्ड लेडी, मैन वुमन, अंकल आंट, स्टेक हिंड, हस्बैंड वाइफ, हॉर्स मेयर, बुल काउ, कॉक हैन, काल काउंटेस, डॉग बिच, लेड लेस, मिस्टर मिसेस, सन डॉटर, मॉन्क नन, नेफ्यू नीस, फादर मदर, सर मैडम, विडोअर विडो, हीरो हीरोइन, ब्राइड ग्रूम ब्राइड, ठीक है। ये कुछ फेमिनाइन्स हैं जो हम जो पूरी तरह से चेंज कर देते हैं वर्ड को। कॉमन जेंडर नाउन्स, अब कॉमन जेंडर नाउन्स के जैसे आर्टिस्ट पायलट, चाइल्ड बेबी, जज ड्राइवर, देखो ये कुछ ऐसे हैं कॉमन जेंडर, ठीक है, जिसका कोई भी फेमिनाइन नहीं होता है। आर्टिस्ट, बेबी, जज, पायलट, चाइल्ड, ड्राइवर, एंकर, कजिन, पोएट, कुक, स्टूडेंट, सिंगर, रिपोर्टर, प्लेयर, पर्सन, इन्हें हम मेल भी मानेंगे फीमेल भी मानेंगे, कोई जेंडर इनका नहीं होता है। पोएटिस, एक्ट्रेस, ऑथरेस हैव गॉट कट ऑफ यूज नाउ, पोएट एक्टर एंड ऑथर आर ऑल्सो यूज एज कॉमन जेंडर नाउ। पहले हम पोएटिस एक्ट्रेस ऑथर ऑथरेस ये सब बोलते थे, लेकिन अब ये भी कॉमन जेंडर में इंक्लूड हो चुके हैं। नाउ अ डेज पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैट डॉग डॉग काउ आर कॉमनली रेफर टू एज ही और शी। फॉर एग्जाम्पल, कवल हैज अ लिटिल डॉग कॉल्ड रॉबी, ही स्लीप्स इन द सेम बेड एज कवल्स। ओके, तो आजकल ये जो डेज हैं, पेट हैं, डोमेस्टिक एनिमल हैं, इन सबको हमने जेंडर दे दिया है, ही और शी में हम इनको इंक्लूड करते हैं। सी द एक्सरसाइज नंबर वन, गिव फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। जैसे हायर का हायरेस, ठीक है, ऐसे एम्परर का एम्प्रेस, आपको ये जो स्टार्टिंग में मैंने कुछ बताए हैं उन्हीं में से आपको देखकर इन्हें लर्न करके इनको यहाँ पर लिखना है। पहले आपको फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन जेंडर्स को लर्न करना है, देन यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज नंबर टू, गिव मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। अब आपको इनको मेल में चेंज करना है। जैसे डचेस का हमने देखा था एक्सरसाइज में अभी इसके पहले क्या था उसका मेल जेंडर क्या हो जाएगा, ड्यूक।
Exercise number 3. Change the gender of the underlined nouns and rewrite the sentences. Make other changes where necessary. आपको underlined words को क्या करना है, इनका gender change करना है और जो other changes हैं उन्हें भी आपको करना है इसमें. जैसे conductor and woman underlined है. Conductor का होता है conductress, woman का होता है men. ठीक है, men मत लिखना क्योंकि WOMAN मतलब सिंगुलर वुमन की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर मेन ही होगा. याद रहे आपको, हमें यहाँ पर प्लूरल में बदलना नहीं है, सिर्फ फेमिनाइन जेंडर बदलना है. द कंडक्टर्स इशूड अ टिकट टू द मैन. एक्सरसाइज नंबर 4. कैटेगराइज द गिवन नाउन्स इंटू मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर. आपको नीचे जो टेबल दे रखी है, ठीक है, ये टेबल जो दे रखी है इसमें आपको चारों को, मतलब यहाँ मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर, इनको जो ऊपर वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ बॉक्स में, इन सबको कैटेगराइज करके इनमें फिल करना है. जैसे सन, सन इज अ मेल तो मस्कुलाइन हो गया. ठीक है, ऐसे फेमिनाइन में मैंने लिखा है, जैसे सी द क्वीन, क्वीन इज अ फेमिनाइन जेंडर. ऐसे एस्ट्रोनॉट क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है क्योंकि ही शी नहीं होता है इसमें. दिस इज अ कॉमन नेम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो. और न्यूटर, जैसे ट्री, ट्री थिंग हो गई है और हमें, ट्री एक थिंग है और इसका कोई जेंडर नहीं फॉर्म हो सकता है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर दिया है न्यूटर जेंडर में. इन दिस वे यहाँ जो भी हमें ऊपर ये दे रखे हैं वर्ड्स, इन सबको कैटेगराइज करना है चार चीज़ों में, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज अवर चैप्टर नंबर 5, जेंडर नाउन जेंडर. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. नाउ सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. ओके, थैंक यू.